बोलो जिंदगी फाउंडेशन ने पटना दीघा स्थित पिंक महल मैरिज हॉल में पत्रकार कवि सम्मेलन सीजन 2 का आयोजन किया, जहां शहर के विभिन्न पत्रकार बंधुओं ने काव्य पाठ के साथ नए साल का स्वागत किया। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन कमेटी। देखिए, जाने माने जो पत्रकार हैं बिहार के, देश के भी कह सकते हैं, नेशनल टीवी चैनल से भी लोग आए हैं, और जो मुख्य अतिथि है वो खुद न्यूज़24 से हैं, के एसोसिएट एडिटर हैं अमिताभ ओझा सर हैं। और कवि सम्मेलन तो बहुत सारे होते हैं, सही बात हमारे निर्देश साहब ने कहा है, लेकिन जो पत्रकारों की जो कविता होती है ना, उसमें एक अलग मार्मिक होती है, उसके मतलब ही अलग होता है, उस सामाजिक घटनाओं का जो एक निचोड़ जो है वो रख जाते हैं, समाज को एक आईना दिखा करके वो चले जाते हैं। तो इसलिए जो है पत्रकारों के जो कवि सम्मेलन है उन्हें हम लोगों ने खास समझा, और एक मंच पर सभी पत्रकारों को जुटाना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उनका खुद ही जो दिनचर्या होता है वो काफ़ी व्यस्तपूर्ण होती है, उनमें भी समय लाना काफ़ी मुश्किल होता है। लेकिन ये दूसरी बार है, हम लोग ने प्रथम बार एक बार कर चुका है, और आगे भी यह आयोजन हम लोग का लगातार चलता रहेगा। प्रीतम कुमार, प्रोग्राम है बोलो जिंदगी फाउंडेशन।